अस्सलाम वालेकुम यूवर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की हमारी जो वीडियो है अरबाब नियाज क्रिकेट स्टेडियम के हवाले से, मतलब कि हम लोग आए थे काफ़ी दिन बाद, अपडेट कर रहा हूँ। तो बाहर की साइड पे जैसे कि देख रहे हैं आप लोग, मतलब कि टाइलिंग वगैरह जो काम में बाहर की तरफ वो चल रहा है, फिनिशिंग का काम काफ़ी तेज़ी चल रहा है। तो कि बाहर की तरफ जो कलम लगाए थे उनके ऊपर टाइलिंग वगैरह लग रही है। बाकी चलते हैं आगे की तरफ। बाकी नीचे भी जो है ना ईंटें वगैरह जो लगती हैं, जो मतलब कि नीचे यहाँ पे भी काम चल रहा है, ऊपर रेत थोड़ी थोड़ी पड़ी है। वैसे भी मतलब कि अभी रिपेयरिंग का काम है, तो वो वैसे भी जो है ना मतलब कि गेट की तरफ काफ़ी काम हो गया है, काफ़ी हद तक जो गेट था ना उस तरफ पर जो है ना काफ़ी काम काफ़ी हद तक हो चुका है। बाकी यहाँ पे मजदूर वगैरह लगे हुए हैं, मिस्त्री भी लगे हुए हैं, साथ में ठेकेदार भी खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जो है ना रीलिंग का काम चल रहा है, जैसे देख रहे रिपेयरिंग चल रही है, रीलिंग लगा रहे हैं, वेल्डर अपना काम कर रहे हैं और मेसन अपना कर रहे हैं, और वो उस्ताद भाई मिसाला बना रहे हैं माशाल्लाह से। बाकी ये सर भी अच्छे से काम चल रहे हैं, और ये जो है ना रीलिंग यार काफ़ी जो ना बनी हुई है नीचे, बस इनको जो है ना ऊपर खड़ा करना है। तो वो सर तो हमारी रिपेयरिंग हो रही थी, ये सर जो ना रेलिंग खड़ी करेंगे, उसके बाद जो ना फिर मतलब कि फिर फिनिशिंग का काम नीचे जो ना वो भराई वगैरह होगी और नीचे टाइलिंग वगैरह लगेगी। और ये सर जो ना लग चुकी है, पिछली वीडियो में देखा था तब नहीं लगी हुई थी, ये सर अभी लगी है, बस वो दो गाले रहते हैं वो करनी है। बाकी नीचे सीढ़ियों पर देखिए, जैसे कि सीढ़ी पर टाइल वगैरह भी लगी हुई है और थोड़ा बहुत कचरा भी पड़ा हुआ है, मतलब कि वो तो काम होने के बाद ही सफाई होती है ना, तो काम कंप्लीट होगा तो उसके बाद सफाई करेंगे। बाकी जैसे कि देख रहे हैं आप लोग, ये अभी बस खड़ी की हुई है, इनको जो है ना मज़बूत करना है, ये भी मज़बूत नहीं हुई। ये हम लोग आ गए हैं मतलब कि मेन एरिया में, मेन एरिया में जो है ना कुछ लग चुकी है, बाकी जो है ना नीचे पड़ी हुई है, यहाँ की भी रेलिंग लगानी है अभी। बाकी सपोर्ट वगैरह मतलब खड़ी की हुई है, बाकी जो है ना इनको मज़बूत करना है, नीचे माल वगैरह भराई करना है। बाकी जैसे कि ये देख रहे हैं प्लाई लगा रहे हैं, एक साइड पे प्लाई लगा के जो है ना उसके बाद जो है ना फिर मतलब ये वहाँ से मतलब जहाँ से हम रेलिंग लगी हुई है यहाँ से यहाँ तक प्लाई लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर मिसाला डालेंगे, कंक्रीट वगैरह या मतलब कि जो खुद बनाएंगे उसमें मिसाला डालेंगे। बाकी जैसे कि देख रहे हैं ग्रास की काफ़ी हद तक कटाई हुई थी और उसके बाद दोबारा ग्रास उग रहा है, बाकी पानी वगैरह लगा रहे हैं, मतलब के साथ में जो ना पिच का काम भी चल रहा है, माशा से बहुत अच्छा ग्रास हो चुका है अभी। ये देखें तो ये कटाई साथ साथ चल रही है, बाकी ग्रास माशाल्लाह बहुत अच्छा हो चुका है पिच का, और बाकी पिच माशाल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है पहले से भी। ग्रास वगैरह कटाई करते हैं और पानी वगैरह लगाते हैं साथ में, जो ना काम चल रहा है। उसके बाद फिर ये हमारा है मेन एरिया, मतलब जहाँ पे क्रिकेटर बैठेंगे वो एरिया, उसकी रेलिंग लग रही है क्रिकेटर के एरिया में जो ना हमारी रेलिंग लग रही है। तो बाकी जैसे कि देख रहे हैं आप लोग, बाकी शेड था मैंने तो बताया था पिछली वीडियो में, आपने देखा भी था कि ये थोड़ा सा रहता था रिपेयरिंग का काम। उसके बाद चेयर, चेयर तो लगनी भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी हैं काफ़ी, मतलब कि अभी कुछ चेयर वगैरह लगी हैं और यहाँ पे लग रही हैं रेड कलर की, तो कुछ लग चुकी हैं। बाकी जो है ना इस साइड पर देख रहे हैं अपने राइट में, ये साइड चेयर वगैरह लग चुकी हैं, ऊपर का काम भी काफ़ी हद तक हो चुका है। बाकी वो लगे हुए मिस्त्री जो है ना सीढ़ियाँ थी, जो स्टेप थी पिछली वीडियो में मैंने बताया था स्टेप थी, वहाँ पे जो ना काम चल रहा है, स्टेपों पे, स्टेप पे जो ना वो फिनिशिंग चल रही है, साथ में जो ना रिपेयरिंग वगैरह साथ साथ कर रहे हैं वो। बाकी चलते हैं जैसे कि देख रहे हैं आप लोग, और ये ग्रास काफ़ी बड़ा हो चुका है, अब इसको जो है ना कटाई वगैरह होगी अभी, शायद इसको शायद कुछ और बड़ा होगा फिर बाद में कटाई करेंगे। और जैसे कि देख रहे हैं आप मतलब कि ग्रास जो है ना ज़बरदस्त हो चुका है और माशा से बहुत अच्छा हो चुका है, पहले से बेहतर हो चुका है, पहले मतलब थोड़ा थोड़ा नॉर्मल ही था, अब जैसे कि देख रहे हैं ये देख रहे हैं मतलब काफ़ी हद तक बड़ा हो चुका है ग्रास, और काफ़ी बेहतर भी है, पहले से काफ़ी बेहतर है। बाकी इस साइड की कटाई हुई है, इस साइड की थोड़ी सी रहती है, मतलब कि ये सब काट के मतलब कि फिर जो है ना मतलब आधा काट रहे हैं भाई, वो आधा फिर से उगता है, फिर दूसरा आधा काट लेते हैं। बाकी ये देखें ऊपर की तरफ जो है जो सूखा पड़ा है, नीचे की तरफ ग्रीन है, ऊपर पर जो है ना सूखा पड़ा है, मतलब कि टोटल पिच जो है ना ग्रीन है, बाकी ऊपर जो ऐसा लग रहा है कि भाई ऊपर सड़ा हुआ है वो सूखा हुआ है, नीचे जो है ना ग्रीन है, सारा ग्रीन है कम्प्लीट। बाकी ये हम लोग इस साइड पे आ चुके हैं, यहाँ पे भराई हो चुकी है, जो पिछली बार मैंने बताया था कि यहाँ की रीलिंग लग रही थी, ये यहाँ की भराई हो चुकी है। बाकी वो रीलिंग लगा रहे थे, उस पर जो है ना साथ में प्लाई वगैरह लगा रहे थे कंक्रीट वगैरह डालने के लिए, ये सेट वहाँ तक कम्प्लीट हो चुकी है और नीचे कंक्रीट भी इनकी हो चुकी है।
ये बाकी पड़ी है, ये मतलब कि आगे चाहिए, ये दरवाज़ा वगैरह गेट का है, यहाँ पर गेट का है, इस जगह का गेट है मेन एरिया का, तो ये यहाँ पे अभी लगाएंगे, लगाया नहीं है फिलहाल। बाकी ऊपर जो है ना टाइलिंग का काम था वो भी जो है ना लग चुका है काफ़ी हद तक, जो है ऊपर का काम काफ़ी था हद तक हो चुका है, टाइलिंग वगैरह लग चुकी है। बाकी बाकी ये गेट लगा हुआ है, एक मतलब गेट लग गया है, वो दूसरा जो है ना पड़ा हुआ है, ये गेट लग चुका है भाई, इसको जो है ना कलर वगैरह करेंगे, वो तो फिनिशिंग का काम आता है, वो तो होता ही रहता है यार। बाकी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें जिनको वीडियो अच्छी लगी। तो बाकी जैसे कि देख रहे हैं चारों तरफ ये वो रिंग लगाए ऊपर ढक्कन के लिए, मतलब तो कि नाले जो है ना पानी छानी निकासी करने के लिए, तो बस ढक्कन लग चुके हैं, ये गेट है हमारा। पिछली बार यहाँ पे काम चल रहा था, ये फिनिश हो चुका है वहाँ तक, मैंने बताया भी था आप लोगों को पिछली वीडियो में, यहाँ से लेकर वहाँ तक जो है ना फिनिश हो चुका है, जो वो गेट पर जो है ना यहाँ पर लगाएंगे गेट, और यहाँ पे ढक्कन लगाना है, अभी मेरे ख्याल ढक्कन लगा नहीं है यहाँ पे। बाकी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, एंड जो है ना अपनी अगर आपने कोई मतलब कोई भी ये सवाल जवाब पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए एंड सपोर्ट करने के लिए यार। बाकी हम लोग वापसी आ चुके हैं स्टेडियम घूम के, जहाँ से हम लोग स्टार्ट हुए थे वापसी, वहीं से लेके वहाँ एंड तक हम लोग आ चुके हैं। बाकी यार फिनिशिंग काम है, मतलब कि लग जाएंगे कोई 7 6 महीने 7 महीने लग जाएंगे फिनिशिंग काम है, बस रहे यही काम चुका है, बाकी ऊपर चेयर वगैरह लगानी है वही रह चुकी है, बाकी माशाल्लाह से काफ़ी काम मतलब कि हो चुका है, बस थोड़ा बहुत काम रहता है फिनिशिंग का, बस फिनिशिंग का में इतना टाइम तो नहीं लगता, बस ये थोड़ा काम जो है ना सही चल रहा है ज़बरदस्त, बस जैसे मतलब जिस स्पीड से काम कर रहे हैं ना, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये हो जाएगा 6 महीने में, मतलब कि कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि नेक्स्ट BSL शायद कराएं इसमें, और बाकी हैदराबाद वो भी जो है ना काफ़ी हद तक हो चुका है, कंप्लीट ही हो चुका है, बस स्विमिंग पूल का काम चल रहा है, तो वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो जो है ना उस पर बनाऊँगा। बाकी जैसे कि देख रहे हैं ये लोग, ये सर जो है इसका जो है ना दीवारें वगैरह वो प्लस्तर हो चुकी है, बाकी यहाँ पे शायद टाइलिंग वगैरह लगाए, नीचे दीवी वगैरह लगा दी उन्होंने, बाकी मिस्त्री लगे हुए हैं। बाकी सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़।